ओके, मैं कमलेश रंजन हूँ और आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। जो कि आपको पता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का के मतलब चैप्टर का पार्ट है क्लास 12 का। ठीक है, तो देखो पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स, राइट। तो माइक्रोब्स जो है एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। तो बायो कंट्रोल का मतलब ये है कि माइक्रोब्स को हम कैसे यूज करेंगे एज बायो कंट्रोल। तो देखो माइक्रोब बेसिकली क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया को, वायरस को हम यूज करते हैं, राइट, को हम यूज करते हैं। एंड दिस बैक्टीरिया एंड वायरस एक्चुअली जो है वो बहुत तरह से बेनिफिशियल है। वो कैसे बेनिफिशियल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे हम बीटी कॉटन बनाते हैं। तो बीटी कॉटन क्या होता है, कोई भी अगर बॉल बॉम उसको खाएगा तो बॉल बॉम जो है दैट विल बी किल्ड, है ना, क्योंकि वो टॉक्सिन रिलीज होता है ना, CRY प्रोटीन्स बनता है, राइट, जिसको हम क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं, CRY प्रोटीन ना। अब जैसे देखो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल पता होगा, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, फिर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जिसमें कि वायरस को यूज़ किया जाता है, राइट, बैक्यूलो वायरस टू कंट्रोल दी यू नो पेस्ट। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब ये क्या है ना कि जैसे आप इंसेक्ट्स है, सपोज कोई इंसेक्ट है, अगर आप उसको किल कर देते हो तो किल करोगे तो क्या होगा, आप टॉक्सिक केमिकल्स यूज करोगे। और अगर आप उसको किल करते हो तो सपोज उसको उस वो जिसका प्रेडेटर है कोई उसको खा रहा है, तो फिर उसके सर्वाइवल पे भी प्रॉब्लम आएगी। और टॉक्सिक केमिकल्स को यूज़ करोगे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी खतरा रहेगा। तो इसलिए अगर हमको सपोज मान लो कि किसी एक इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, तो दूसरे इंसेक्ट के थ्रू हम उसको अगर जो कंट्रोल करते हैं उसके पॉपुलेशन को, मैं चेक एंड बैलेंस करके, तो उसको हम एक्चुअली तो क्या करते हैं, उसको हम मैनेजेबल लेवल पे ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, ठीक है। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल प्रिडेशन जो है उसको हम प्रेफर करते हैं एज ए बायो कंट्रोल मेजर। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन किसका प्रेडेटर है, राइट, तभी हम दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। मतलब हम केमिकल्स को अवॉइड करके वी कैन यूज़ अनदर ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल अनदर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसी यही है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगा कि जैसे प्लांट का किस इंसेक्ट के साथ एसोसिएशन है, राइट, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज़ और भी होगा इससे कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स के आपको से जैसे इंसेक्ट है उसका लाइफ साइकिल आपको जानना जरूरी है, राइट, तभी आप उसको समझ सकते हो क्या प्लांट है, कौन सा इंसेक्ट किस प्लांट पे जनरली को डैमेज करता है, ये चीज़ें जरूरी है। और ये एक तरह से जो टॉक्सिक केमिकल्स है उस पे जो डिपेंडेंस है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, राइट। तो ये भी एक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर मेंटेन रहेगा तो दैट लीड्स टू ग्रोथ, जैसा कि आपको पता है, राइट। ठीक है, तो आपको मतलब फीडिंग हैबिट भी पता होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दिस कम्स अंडर
बायो कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे लेडी बर्ग और ड्रैगन फ्लाई जो है वो एफिड्स और मॉस्किटो को रिस्पेक्टिवली, जैसे लेडी बर्ड एफिड को और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को यू नो को ईट करते हैं, तो उससे उसका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय बीटी, बीटी इज़ बैसिलस थ्रूजियंसिस बैक्टीरिया, तो आप उस बैक्टीरिया का जो जो है मतलब जीन, उसको अगर आप सपोज उस जीन को लेके नो यू कैन मेक सम स्पोर्स, उसको पानी में घोल के यू नो यू कैन स्प्रे ऑन दी फील्ड, तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा, राइट। तो ब्रैसिका वगैरह जो प्लांट है उस पर वो जनरली अटैक करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर, तो उससे उसका लार्वा अगर उसको खाएगा तो उसका लार्वा जो होगा वो एक टॉक्सिन रिलीज़ करेगा उसके स्टोमक में और वो जाकर के इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि बीटी कॉटन जो क्या करता है कि रेसिस्टेंट है बॉल वर्म के अगेंस्ट में, ठीक है। जैसे प्लांट पैथोजेन बहुत सारे होते हैं तो उसको कंट्रोल करता है ट्राइकोडर्मा, राइट। अच्छा, एक और है जैसे आपको मैंने पहले बताया था बैक्यूलो वायरस, तो बैक्यूलो वायरस जो होता है उसका इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होता है, वो इंसेक्ट को किल करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब यू आर यूजिंग वन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल अनदर ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ कॉल्ड बायो कंट्रोल, ठीक है। समझ आ रही बात आपको? तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको लिख देता हूँ, तो ये ठीक है। तो देखो प्रिडेशन बाय, पहले मैं इसका एक तरह से एक डेफिनेशन टाइप का दे देता हूँ जिससे कि आपको समझ आएगा कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। यूज ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल another organism, another you know, चाहे ऐसा हम लिखते हैं कि use of you know the predator insect to control another insect or use of microbe to control the you know pathogen or insect is called biocontrol, you know, ठीक है, क्लियर है। अगर हम प्रीडेटर इंसेक्ट को यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल अनदर इंसेक्ट, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था, राइट, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को किल खाता है, राइट, या यूज ऑफ माइक्रोब आप करोगे मतलब यूज ऑफ बैक्टीरिया करोगे टू कंट्रोल अनदर पैथोजेन और इंसेक्ट, राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड ए बायो कंट्रोल। समझ आ रही बात? तो दिस इज प्रेफरेबल देन द यूज ऑफ केमिकल्स, दिस इज प्रेफरेबल देन द यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स को यूज करने से इट कॉजेस, चाहे हम केमिकल्स की जगह टॉक्सिन्स हम यूज करते हैं टर्म टॉक्सिन्स,
सो यूज ऑफ टॉक्सिन करेंगे तो क्या होगा? यूज ऑफ टॉक्सिन विल लीड टू पोल्यूशन. एक तो ये पोल्यूशन भी फैलाएगा, है ना, एंड इट विल रिड्यूस एंड इट विल रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो, है ना. ये समझ आ रही बात आपको? तो बायोडाइवर्सिटी को भी वो करेगा, रिड्यूस करेगा, और पोल्यूशन को भी घटाएगा, है ना. तो ये जो बायो कंट्रोल मेथड है ये ज़्यादा प्रेफरेबल है ना. तो ये पॉइंट्स हो गए आपके. तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लिख देते हैं इसमें. सो द कन्वेंशनल मेथड वॉज टू कंट्रोल द पेस्ट एंड द इंसेक्ट इंसेक्ट पेस्ट बाय किलिंग इट. बाय किलिंग इट. बट द मॉडर्न अप्रोच इज टू यूज टू हैव बायो कंट्रोल. समझ आ रही बात आपको? तो बायो कंट्रोल ये जो है मॉडर्न अप्रोच है ना. तो उससे क्या होगा? थ्रू बायो कंट्रोल क्या होगा? देर विल बी मोर बायोडाइवर्सिटी. उससे क्या होगा? डाइवर्सिटी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो किसी इंसेक्ट को हम मार देते हैं और सपोज उस इंसेक्ट को कोई दूसरा खाता है, तब तो फिर उसके सर्वाइवल पे भी मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि उसको फिर खाना नहीं मिलेगा तो वो स्पीसीज भी विलुप्त हो जाएगा. ठीक है. सो इंसेक्ट्स आर केप्ट अंडर कंट्रोल बाय चेक एंड बैलेंस अप्रोच रादर देन किलिंग इट, है ना. किलिंग से बेटर है आप उसको चेक एंड बैलेंस करो थ्रू अनदर ऑर्गेनिज्म, आप उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करो. ठीक है, ठीक है. अच्छा, इससे ये होगा कि थ्रू बायो कंट्रोल द ऑर्गेनिज्म द इंसेक्ट ईटिंग प्रेडेटर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, है ना. बिकॉज इंसेक्ट ईटिंग जो प्रिडेटर है, ऑब्वियसली आप क्या करोगे? सपोज इंसेक्ट इंसेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, क्योंकि अगर आप इंसेक्ट को मार दोगे तो बेचारा प्रिडेक्ट जो उसका प्रिडेटर है वो क्या खाएगा, तो वो भी विलुप्त हो जाएगा, तो आप उसको भी बचा रहे हो. तो जो प्रोटेक्शन ऑफ सो बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो मेंटेन तो बायोडाइवर्सिटी अगर मेंटेन हो रहा है, सो देयर विल बी मोर सस्टेनेबल ग्रोथ. ठीक है, आपको पता है सस्टेनेबल, ज्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ होगा
ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा तो, इज इट क्लियर, समझ आ रही बात? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज और भी होगा, दैट दिस विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल्स, क्योंकि आपको हर समय टॉक्सिक केमिकल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो दिस विल रिड्यूस द यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। तो टॉक्सिक केमिकल्स के यूज को भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो एक चीज इसके लिए एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है, दैट हमको प्रीडेटर और पेस्ट का एक लाइफ साइकिल हमको पता होना चाहिए, राइट? एंड दूसरी बात ये तो वन हैज टू बी फैमिलियर विद द लाइफ साइकिल पैटर्न, लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ of the various life forms present on earth. ठीक है, तो आपको various life cycle जो है बहुत सारे उसके आपको समझ में आना चाहिए, it should be familiar, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि one should be familiar with the predator prey relationship, predator prey relationship के बारे में भी हमको आइडिया होना चाहिए, दैट कौन सा predator क्यों किसका prey है, ऑल दिस थिंग, ठीक है? अब आते हैं हम कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको कंट्रोल करता है। तो लेडी बर्ड जो है एफिड्स को और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को। देखो इसमें प्रीडेटर कौन सा है, प्रीडेटर और प्रे है ना। तो यहां पे देखो लेडी बर्ड जो है वो किसको कंट्रोल करता है, ईट्स, प्रे का नाम क्या है, एफिड्स। तो देखो अगर ये इसको खाता है तो अगर हम इसको यूज करें तो इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे हम, एफिड्स के पॉपुलेशन को, समझ आ रही बात? तो हमारा क्या होगा, उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि एफिड जो है डिस्ट्रॉय करता है क्रॉप को, है ना? तो देखो हमको डिस्ट्रॉय उसको करना है जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा नहीं कि सारे इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। तो इट हैज़ टू बी डन विद अ पर्पस, है ना? तो इसको हम बायो कंट्रोल कहते हैं, ठीक है? अब जैसे दूसरा ले लो, दूसरा क्या है, ड्रैगन फ्लाई, ये किसको खाता है, मॉस्किटो, है ना? तो ये मॉस्किटो को खाता है। अच्छा, एक तो ये समझ आ गया आपको। उसके बाद है बटरफ्लाई कैटरपिलर, लार्वा इज पुट अंडर कंट्रोल, बाय यूजिंग द स्पोर्स ऑफ बीटी। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रूजियंसिस, एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्रूजियंसिस
बाय यूजिंग द स्पोर्स ऑफ बीसी बीटी मिक्स विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन द प्लांट्स. उसका नाम है मस्टर्ड एंड सम फ्रूट ट्रीज. देखो ये समझ आया, मैं फिर से बता देता हूँ. जैसे मस्टर्ड है और फ्रूट ट्री है, ठीक है. अब इस पे जो कैटरपिलर पिलर का लार्वा है वो जनरली उसको अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है. तो अगर मान लो आपने बैसिलस थ्रूजियंसिस जो है उसका आपने सपोज स्पोर्स बना लिया और उसको पानी में घोल के अगर तुमने अपने प्लांट को स्प्रे किया, तो स्प्रे करने से क्या होगा कि उसका लार्वा जब होगा, कैटरपिलर मान लो अटैक कर रहा है तो उसका लार्वा भी वहीं पे होगा क्योंकि वो एक तरह से घर है उसका. तो उसका जो लार्वा होगा, अगर वो लार्वा उसको खाएगा तो एक टॉक्सिन रिलीज होगा उसके स्टॉम मतलब उसके बॉडी के अंदर, और वो टॉक्सिन उसको मार देगा. तो आपका लार्वा बहुत सारा कंट्रोल हो गया. तो मतलब एक तरह से कह लो कि आपने किस पे कंट्रोल कर लिया, कैटरपिलर पे कंट्रोल कर लिया बहुत हद तक, और आपने केमिकल्स भी यूज़ नहीं किया. आपने बैक्टीरिया के डीएनए बैक्टीरिया को यूज़ करके स्पोर्स बना करके आपने स्प्रे किया अलॉन्ग विद वाटर, है ना, मतलब वाटर में मिक्स करके स्प्रे किया. समझ आ रही बात? तो ये एक तरीका है. अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि द बटरफ्लाई लार्वा जो होगा, बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा, विल ईट द स्पोर्स एंड द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर इज एंड द लार्वा गेट्स किल्ड. ठीक है, तो लार्वा मर जाएगा. तो लार्वा मर गया तो कैटरपिलर कंट्रोल हो गया, और कैटरपिलर कंट्रोल हो गया तो हमारा प्लांट बच गया अगेंस्ट द अटैक. तो ये एक तरीका है, ठीक है. अच्छा, एक और है ट्राइकोडर्मा. एक आपको पता होगा ट्राइकोडर्मा जो है एक फंगस है. ट्राइकोडर्मा जो है वो क्या है, एक फंगस है. ये किसको कंट्रोल करता है? प्लांट पैथोजेन को. प्लांट पैथोजेन को कंट्रोल करता है कौन? ट्राइकोडर्मा, ठीक है. अच्छा, एक आपको मैंने आपको पहले बताया था कि बैक्यूलो वायरस है, है ना. तो बैक्यूलो वायरस जो है वो भी एक कंट्रोलिंग एजेंट है. तो बैक्यूलो वायरस क्या करता है, तो बैक्यूलो वायरस जो है ये आता है एक कैटेगरी में जिसको कहते हैं न्यूक्लियो पॉली हेड्रो वायरस, है ना, ठीक है. तो ये जो है इसका जो है नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस है और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है. तो इट हैज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज. तो एनपीवी इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर यूजिंग द
सो देयर इज, सो देयर इज, सो देयर इज यूज ऑफ यू नो द यू नो प्रीडेटर टू कंट्रोल द पेस्ट, टू कंट्रोल पेस्ट विच इज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसमें ये हेल्प करता है, राइट. तो प्रीडेटर का प्रे के साथ एसोसिएशन होता है एंड दिस एसोसिएशन इज बेनिफिशियल, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी बच रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन हो रहा है और हमारा जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जा रहा है ना. तो हम एक तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी बचा रहे हैं. तो ये कितने फायदे हैं इससे. तो ये था अबाउट दी बायो कंट्रोल एजेंट. देखो इसको जो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि बैक्यूलो वायरस जो है वो उसको यूज़ करते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, बीटी बैसिलस थ्रूजेंसिस बैक्टीरिया के स्पोर्स को यूज करते हैं, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को खा जाता है कैट, फिर आपको मैंने ये बताया था कि यू नो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में मैं आपको बताया था, लेडी बर्ड. लेडी बर्ड क्या करती है, वो खा जाती है एफिड्स को, तो एफिड्स से आप बच गए, बॉलवर्म से बच गए आपको. अच्छा बीटी कॉटन वाला एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, वो दे देता हूँ. तो बीटी कॉटन इज, जैसे बीटी कॉटन है ना, तो बीटी कॉटन में क्या है ना कि द जीन फ्रॉम बैसिलस थ्रूजियंसिस, इज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CRY प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ CRY प्रोटीन, ठीक है. एक्चुअली क्या होता है ना कि सम टॉक्सिन इज रिलीज्ड, है ना. तो जैसे मान लो बॉलवर्म अगर प्लांट को अटैक किया, तो जो बॉलवर्म में क्या होगा कि दैट टॉक्सिन यू नो बॉलवर्म जब खाएगा तो वो जो जीन है बैसिलस थ्रूजेंसिस का वो एक एक्चुअली यू नो टॉक्सिक केमिकल बनाएगा, टॉक्सिक प्रोटीन. तो बीटी कॉटन जो है, द जीन फ्रॉम बैसिलस थ्रूजेंसिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, जैसा हम लिखते हैं, विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन विच किल्स द, विच किल्स द बॉलवर्म, है ना. बॉलवर्म जो है उसको किल कर देता है. तो मतलब ये जीन ना, वो जो CRY प्रोटीन की बात मैं कर रहा था ना, वो जीन बनाता है और वो जो है मतलब यू कैन से दैट इज टॉक्सिक, है ना. तो बीटी का जो जीन है ना, जैसे बीटी है बैसिलस थ्रूजेंसिस, इसका जो जीन है वो बनाएगा क्या, आपको पता है कि जीन जो है प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन कौन सा बनाया, CRY प्रोटीन. तो ये जो CRY प्रोटीन बनेगा, ये CRY प्रोटीन क्या है, टॉक्सिक है. तो मान लो बॉलवर्म जो है, जैसे एक प्लांट है मान लो, है ना, प्लांट को अटैक किया बॉलवर्म, ये किसका प्लांट है, कॉटन का. अब यहां पे बॉलवर्म आया, अब बॉलवर्म जो है इसको खाया, ठीक है. अब बॉलवर्म खाएगा तो बॉलवर्म के अंदर वो चला गया
क्या चला गया, क्योंकि प्लांट के अंदर तो बीटी है, बीटी जीनोम है, तो बीटी जीनोम कहाँ गया, बॉलवर्म में गया। अब बॉलवर्म में गया तो ये क्या होगा, ये बीटी जीनोम क्या बनाएगा बॉलवर्म में, सी आर वाई प्रोटीन, और ये सी आर आई प्रोटीन जो बनाएगा इन बॉलवर्म है ना, ये क्या बनाएगा सी आर वाई प्रोटीन इन बॉलवर्म, एंड ये जो है टॉक्सिक है, एंड बॉलवर्म इज किल्ड। तो आपका जो कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट बॉलवर्म से बच गया, तो कॉटन प्लांट बॉलवर्म से बच गया। ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया था कि कॉटन प्लांट को कौन सा वर्म एक्चुअली इफेक्ट डैमेज करता है, तो आंसर इज बॉलवर्म। ठीक है, तो ये समझ आ गया। देखो बैकुलो वायरस कंट्रोल करता है किसको, सम यू नो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है इसमें, है ना, आर्थ्रोपोड्स वगैरह जो कुछ के कुछ मेंबर्स हैं उसको कंट्रोल करता है बैकुलो वायरस। और दूसरा कैटेगरी हमने डिस्कस किया वो एग्जांपल आपको ड्रैगन फ्लाई और उसका दिया था हमने, किसका, मॉस्किटो का। और एक और एग्जांपल दिया था मैंने जो लेडी बर्ड है वो कंट्रोल करता है एफिड्स को, है ना। तो कितने एग्जांपल हो, जस्ट काउंट करो, लेडी बर्ड, एफिड, बटरफ्लाई कंट्रोलिंग मॉस्किटो, ठीक है, तीसरा 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 एग्जांपल दिया बीटी कंट्रोलिंग कॉटन को, प्रोटेक्ट कर रहा है कॉटन प्लांट को। चौथा एग्जांपल मैंने क्या दिया कि सी आर वाई प्रोटीन को हम यूज करते हैं कुछ मस्टर्ड वगैरह प्लांट में स्प्रे करते हैं उसका स्पोर बना के, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें जो कैटरपिलर लार्वा है, कैटरपिलर बटरफ्लाई कैटरपिलर का जो लार्वा है वो किल हो जाता है। तो चार एग्जांपल हो गए आपके सामने, है ना। तो बैकुलो वायरस जो है एनपीवी ग्रुप में आता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस वाले कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो हैं वायरस का मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक जो है उसका यू नो एप्लीकेशन है, स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करता है। जैसे एक बार क्या हुआ था ना कि म्यांमार एक कंट्री है, वहाँ पे लोकस्ट का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, है ना। तो लोकस्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया से माइना बर्ड को भेजा गया, मतलब ले जाया गया, और वहाँ पे ना क्या किया कि लोकस्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया माइना बर्ड ने, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकस्ट जो क्या कर रहा था कि वो डैमेज कर रहा था क्रॉप्स को, तो क्रॉप का डैमेज ये भी लिख देता हूँ मैं पॉइंट। देखो एक एक यू नो इन म्यांमार, इन म्यांमार, म्यांमार एक देश है, वहां पे लोकस्ट पॉपुलेशन वाज केप्ट अंडर कंट्रोल by the introduction of myna from India. समझ आ रही बात आपको, तो ये myna को इंट्रोड्यूस किया इंडिया से, तो वो उसका जो लोकस्ट है तो डैमेज ऑफ द क्रॉप वॉज रिड्यूस्ड, डैमेज ऑफ क्रॉप वॉज वॉज रिड्यूस्ड। अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यू नो किसी कंट्री में यू नो अपुंचिया जो था उसको अटैक कर रहा था एक इंसेक्ट, राइट, तो कैक्टोबैसिलस को इंट्रोड्यूस किया, राइट, मतलब अपुंचिया, खैर वो इंसेक्ट नहीं है, बट दैट इज यू नो
अपुंचिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया गया इंसेक्ट को। खैर ठीक है, तो इतने सारे मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, तो ये था एक पॉल करते हैं। आप बताओ ये आपको बायो कंट्रोल एजेंट सारा समझ में आ गया? जस्ट वेट वेट, ठीक है ठीक है, सबको समझ आ गया, गुड। तो देखो अब हम कर लेते हैं कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, तो मतलब कि देखो अगर आप फर्टिलाइजर यूज करोगे जैसे नाइट्रेट फॉस्फेट ये सब यूज करते हैं, तो आपको पता है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। इससे एक तो यू नो वाटर पोल्यूशन भी कॉज होता है, और कुछ आपको पता है कि पॉन्ड वगैरह में एल्गल ब्लूम भी कॉज होता है ना, तो ये एक तरह से इन्वायरमेंटल हैजार्ड है एक तरह से। ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाता है, बट समवेयर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं इन्वायरमेंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पर्पस होगा वो ये होगा कि हम नेचुरल एजेंट को यूज़ करें एज ए बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो नेचुरल एजेंट क्या हो सकते हैं? तो नेचुरल एजेंट, सबसे अच्छा नेचुरल एजेंट होगा बैक्टीरिया। जैसे एक आपको बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, और साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। तो आपको पता है कि ये प्लांट्स के साथ एसोसिएट करके क्या करते हैं, दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट जहाँ पे होते हैं उसके रूट के साथ एसोसिएट करके नाइट्रोजन फिक्स करता है। फिर एक दूसरा प्लांट है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया भी एक बैक्टीरिया है जो कि एलनस प्लांट के साथ के रूट के साथ एसोसिएट करके नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? अच्छा, उसके बाद कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे एजिटोबैक्टर है, एजो स्पायरुलम है, वो नाइट्रोजन तो उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, उसके बाद जैसे हम सपोज बात करते हैं, अगर हम फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई में यू नो कुछ आपको पता है कि माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट ऑफ फायर प्लांट्स। तो उसमें दो कैटेगरी है, एक्टो माइकोराइजा एंड एंडो। तो एक्टो जो माइकोराइजा है वो क्या करता है, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, और एंडो माइकोराइजा जो है वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से सॉइल से ना वो मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, राइट? तो मिनरल्स जो होता है आपको पता है दे विल एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। ये समझ आ रही बात आपको? अच्छा, उसके बाद और क्या एप्लीकेशन है बायो फर्टिलाइजर के तौर पे? देखो जैसे आपको साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया था, तो आपको पता है नॉस्टॉक और एनाबेना जो है वो भी एक एसोसिएट करता है विद द साइकस रूट। एजोला जो है एक वाटर फर्न है, वो एसोसिएट करता है इन द राइस फील्ड, है ना? तो उसी तरह से कुछ ऑसिलेटोरिया वगैरह भी जो है वो राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, तो ऑसिलेटोरिया और से एजोला, ऑसिलेटेरिया जो है और एनाबेना, राइट? एजोला के साथ एनाबेना करता है, तो एनाबेना साइनोबैक्टीरिया है, और दूसरा है आपका क्या नाम है उसका, ये ऑसिलेटोरिया भी राइस फील्ड में करता है। ठीक है, और ये एनाबेना एजोला एसोसिएशन ये भी राइस फील्ड में होता है। ठीक है, और तो नॉस्टॉक एनाबेना जो है वो फ्री लिविंग भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है ठीक है, तो कुछ माइकोबैक्टीरियम भी है वो भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए जो कि इसका कैटेगरी है, राइट? तो ये अब हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसके देखो हम पॉइंट्स आपके पास लिख देते हैं। तो यूज माइक्रोब्स आर यूज्ड
आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो क्या क्या हैं? बैक्टीरिया जो होंगे वो, एक तो आपको बैक्टीरिया का नाम आपको पता होगा, राइजोबियम, और इसका होस्ट प्लांट कौन सा है? होस्ट प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट रूट। लेग्यूमिनस प्लांट रूट है। दूसरा है फ्रैंकिया, फ्रैंकिया विद रूट ऑफ एलनस, फ्रैंकिया विद रूट ऑफ एलनस, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। हम आते हैं साइनोबैक्टीरिया जो है वो, उसमें कौन सा है? एक तो आपको पता है नॉस्टॉक और एनाबेना, है ना, ये दो है। ये दोनों क्या करता है विद द एसोसिएट्स विद द रूट ऑफ साइकस, है ना, एसोसिएट्स विद कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। ना एक है एनाबेना, एजोला एनाबेना कॉम्बिनेशन, एजोला एनाबेना, ये जो है एक्स एज बायो फर्टिलाइजर, इन राइस फील्ड। तो राइस के फील्ड में ये बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और हम एग्जांपल लेंगे। एक है आपको पता है ऑसिलेटोरिया जो है वो भी एक एक्चुअली ऑसिलेटोरिया इन द राइस फील्ड, ठीक है। अच्छा, एजोला एनाबेना है वो भी राइस फील्ड में, और नॉस्टॉक एनाबेना, नॉस्टॉक एनाबेना जो है फ्री लिविंग भी करता है। नॉस्टॉक और एनाबेना ये क्या करता है? फ्री लिविंग नाइट सॉरी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है ये, एजोला एनाबेना। अच्छा, फ्री लिविंग बैक्टीरिया का भी नाम मैं दे देता हूं, वो नहीं दिया था मैंने। देखो, बैक्टीरिया में एक आएगा फ्री लिविंग बैक्टीरिया, है ना। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो है, ये फ्री लिविंग वाला जो होगा, ये इसका नाम क्या है? एजोटोबैक्टर। और एजो स्पाइरुलम फिक्सेस नाइट्रोजन, ठीक है, फिक्सेस नाइट्रोजन इन सॉइल विदाउट एसोसिएशन विद द एनी ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये हो गया एजोटोबैक्टर और एजो स्पाइरुलम, राइट। ये दोनों फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल करता है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको शुरू में बताया था कि फंगस भी ये काम करता है, राइट। तो फंगस जो है, फंगस में दो कैटेगरी है। एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइको। ना एक्टोमाइकोराइजा जो है, मतलब कि जो जो रूट होते हैं
उसके रूट के आउटर सरफेस के साथ वो एसोसिएट होता है, फंगल एसोसिएशन विद द आउटर सरफेस ऑफ ऑफ रूट, है ना। तो आउटर सरफेस का इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो अगर वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब दैट इज एक्टिंग एज ए बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। तो देखो एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बॉलेटस, ठीक है। रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ ये करता है, हायर प्लांट्स में आ गया पाइनस भी आ जाता है इसमें, पाइनस के साथ एसोसिएट करता है, पाइनस रूट के साथ, ठीक है। तो मतलब जैसे ये रूट है तो इसके आउटर सरफेस पे ये रहेगा, है ना, अंदर नहीं जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस तक ही ज्यादा तक रहेगा, या तो सेल के अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। अच्छा एंडोमाइकोराइजा के क्या क्या फीचर्स हैं ये मैं लिख देता हूं। ये जो है इट पेनिट्रेट्स इनसाइड द सेल, द सेल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इट फॉर्म्स बड़ा गलत है वैम वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा जिसको कि हम वैम कहते हैं, समझ आ रही बात आपको। तो ये ना सेल के अंदर चला जाता है और इसका हाइफा ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सम सॉर्ट ऑफ होस्टोरियल स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो देख रहे हो ये है फंगल हाइफा, ठीक है, और ये है आर्बस्क्यूल, आर्बस्क्यूल, दिस आर्बस्क्यूल एक्ट्स एज होस्टोरियम, इसको हम क्या कहते हैं होस्टोरियम, ठीक है। फंगल हाइफा इसके अंदर गया और ये आर्बस्क्यूल बनाया एंड दैट एक्सेस होस्टोरियम टू गेट न्यूट्रिशन। अच्छा तो ये न्यूट्रिशन लेगा और बदले में प्लांट को क्या देगा, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इट एक्स इट एब्जॉर्ब्स इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। सो इट इज स्पेशलाइज्ड इन, ये स्पेशलाइज्ड किसमें होता है, फॉस्फेट नाइट एब्जॉर्प्शन में, इट इज स्पेशलाइज्ड इन फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में इसका रोल है। तो दिस इज द एंडोमाइकोराइजा, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ग्लोमस। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो माइकोराइजा जो है जो फंगस है वो भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो माइकोराइजा है ना ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द यंग रूट ऑफ द होस्ट प्लांट, है ना, और इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सैलिनिटी ऑल्सो। तो ये हमने देखो कर लिया कि माइक्रोब फर्टिलाइजर के तौर पे काम करता है। तो देखो ये सारे जितने हमने लिखे हैं, ठीक है, फ्री लिविंग का नाम एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरुलम, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया नोस्टोकेना बेना, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम विद द लेग्यूमिनस रूट, फिर
सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज एजोला एना बेना कम्बिनेशन फ्री ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन मैं स्टार्टिंग से बोल देता हूँ। देखो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक एना बेना विद द रूट ऑफ साइकस, ठीक है, एंड राइजोबियम विद द लेग्यूमिनस प्लांट रूट। फिर मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ फ्रेंकिया विद द एलनस, सिम्बायोटिक वाला तीनों हो गया। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पायरुलम फ्री लिविंग में हो गया, नॉस्टॉक एना बेना भी फ्री लिविंग में करता है। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। फ्री लिविंग में एक तरह से एजोला और ये क्या नाम है एना बेना जो है और ऑसिलेटोरिया ये दोनों भी राइस फील्ड में करता है, ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये सारे थे फंगस में, आपको बताया कि फंगस वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, नंबर वन। नंबर टू यंग रूट प्लांट के यंग रूट को भी प्रोटेक्ट करता है, और तीसरा ये कि सैलिनिटी से भी बताता है। तो इसमें दो कैटेगरी हो गया एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो होगा हायर प्लांट के रूट के साथ होता है और वो सेल के अंदर नहीं पेनिट्रेट करता है, या तो सेल के बाहर रहेगा और सरफेस पे रहेगा या इंटरसेलुलर स्पेस तक रह सकता है। तो वो जो एक्टोमाइकोराइजा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, और उसका एग्जाम्पल है बॉलेटस। एंडोमाइकोराइजा सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, आर्बस्क्यूल बनाता है और न्यूट्रिशन लेता है, दैट इज कॉल्ड वैम, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। और ये जो है एंडोमाइकोराइजा का टाइप है, और ये फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने दे दिया ग्लोमस। चलिए लास्ट पॉल करते हैं, हमने लेक्चर फिनिश कर दिया। अब आप लोग बताओ ये पूरा लेक्चर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो येस बोलो। जस्ट वेट 30 सेकेंड्स, आपके पास एक पॉल जाएगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। सारी चीजें समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से इसको आज पढ़ा है तो, ठीक है। मैं ये बार बार आपको कहता हूँ कि क्लास में हमेशा पार्टिसिपेट करो और क्लास में थ्रू आउट बने रहो। क्लास में आते जाते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्लास में आप शुरू से अंत तक अटेंड करो तो आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, सबको समझ आया, थैंक यू वेरी मच।